तो वही 8 बज गए और हमारा चौथा ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। अब 8 से 9 10 11 3 घंटे और करता हूँ, 3 घंटे में देखता हूँ कितने ऑर्डर होते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो भाई आपकी फरमाइश पे शैडोफैक्स कर रहे हैं आज। आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई शैडोफैक्स करके आप शैडोफैक्स की अर्निंग बताओ, तो आज हमने शैडोफैक्स किया और शैडोफैक्स के साथ साथ जोमैटो भी किया है। तो पहले कुछ हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग देख लेते हैं, ग्राउंड में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, जंग के मैदान में जब हम उतरे थे हमारे साथ क्या क्या हुआ है वो देख लेते हैं, फिर बात करेंगे हमारे एक एक ऑर्डर की और टोटल अर्निंग की, पूरे दिन हमने कितना काम किया है। तो पहले आप वो देख लो। हेलो एवरीवनी, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं दोस्तों टीवी और हमारी बहुत शानदार वीडियो शुरुआत। और आज सैटरडे है, आज मैं सोचा था फुल डे करूँगा, शैडोफैक्स करूँगा, लेकिन शैडोफैक्स में रेट कार्ड ये है कि 20 ऑर्डर पे 1000 रुपये मिलेंगे, उससे ज़्यादा करने का फ़ायदा नहीं है। तो पूरे दिन करूँगा तो 20 ऑर्डर से तो ज़्यादा हो जाएंगे, और उसमें शाम को टाइम देना है 7 से 12 में 5 ऑर्डर करने हैं। तो मैंने सोचा सुबह जोमैटो कर लेता हूँ। सुबह जोमैटो की गिग्स बुक करी 11 से 3 बजे तक की। तो भाई जैसे ही घर से निकला 11 बजे लॉगिन करके हमारी गाड़ी पंचर थी और ऑर्डर भी आ गया था। सुबह सुबह घर से निकलो काम करने के लिए और ये गाड़ी का टायर ही पंचर पड़ा। वही बोल रहा था बैठता नहीं। फिर गाड़ी ठीक कराई, ऑर्डर देने गया, 75 मिनट लेट गया हूँ ऑर्डर, 43 मिनट का डिले आ गया। तो भाई पहला ऑर्डर हुआ है अभी, ये 1.5 किलोमीटर से पिक था, लगभग 4.5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 54 रुपये शो कर रहा था, उसके हमें 54 रुपये ही मिले। 75 मिनट लग गए इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में और 43 मिनट का डिले भी आ गया। अब डिले आने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर आने में देरी लग रही है, टाइम लगा रहा है जोमेटो, ऑर्डर नहीं दे रहा मुझे क्योंकि मैंने पहला ही ऑर्डर डिले कर दिया। अब देखो कितनी देर में ऑर्डर आता है। तो भाई पहला ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद 1 बजे हमारे पास दूसरा ऑर्डर आया, ये पास से पिक करना था, लगभग 3 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 43 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 45 रुपये मिलते हैं। 37 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये भी पास से पिक था, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 30 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 32 रुपये मिलते हैं। 16 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये भी पास से पिक था, लगभग 4.5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 55 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 58 रुपये मिलते हैं। मात्र 14 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये 1 किलोमीटर से पिक था, लगभग 7 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 78 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 82 रुपये ऑर्डर के और 5 रुपये रिटर्न पे के, यानी कि 87 रुपये मिलते हैं। 27 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये भी पास से ही पिक था, लगभग 3 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 46 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 49 रुपये मिलते हैं। 20 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था और ये आज का हमारा लास्ट ऑर्डर था। तो हमने 4 घंटे काम किया जोमैटो में सुबह शनिवार को 18 तारीख को और हमारी टोटल अर्निंग होती है 828 रुपये। 828 का मतलब समझ रहे हो, 125 रुपये एक ऑर्डर के ना, 828 नहीं, चौंको मत ये देख के। अब इसकी फुल डिटेल बताता हूँ, 828 में हमने 6 ऑर्डर किए, 6 ही ट्रिप थी और 828 में से 312 रुपये ऑर्डर अर्निंग के थे, 15 रुपये सर्ज पे के, यानी हमने 328 रुपये का ही काम किया मात्र, जिसमें से 100 रुपये का पेट्रोल लग गया, 100 रुपये पंचर के लग गए, तो 128 रुपये की अर्निंग किए 4 घंटे में और 500 रुपये ये रेफरल बोनस। हमारी वीडियोस देख देख के एक हमारे भाई आगरा से दिल्ली काम करने आए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि भाई आप मुझे बता दो कैसे कैसे काम करना है, तो मैंने उन्हें रेफ़र किया था, तो उनके हो गए 50 ऑर्डर कंप्लीट। तो उनके 50 ऑर्डर कंप्लीट होने पे उनको बोनस मिला, ज्वाइनिंग बोनस 400 रुपये और मुझे रेफ़र करने के मिले 500 रुपये, तो 500 रुपये उस चीज़ के मिले हैं ये हमें। तो आप भी रेफ़र करो और आप भी ज्वाइन करते हो तो किसी से रेफ़र करा के ज्वाइन करा करो, ताकि आपको भी ज्वाइनिंग बोनस मिले और सामने वाले को भी रेफ़र बोनस मिल सके। तो हमने सुबह काम किया जोमैटो में, जिसमें हमारी अर्निंग हुई 328 रुपये, मतलब 100 रुपये की अर्निंग की हमने सुबह। अब शाम की बात करते हैं शैडोफैक्स की। शैडोफैक्स का रेट कार्ड बता देता हूँ, तो ऐप में ही चल के बताता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो भाई शैडोफैक्स की ऐप खोल ली हमने और जो मेरी आईडी साइकिल आईडी है, साइकिल आईडी और बाइक आईडी का एक बार बता देता हूँ। तो बाइक आईडी में चल रहा है, अगर आप 7 से 12 ऑर्डर करते हो तो आपको 350 रुपये मिलेंगे,
13 से 16 ऑर्डर करोगे तो 800 रुपये, और 17 से 20 में 1150, 21 से 29 में 1500 रुपये, और 30 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 2700 रुपये मिलेंगे पूरे दिन में। और इसकी कंडीशन क्या है, आपको शाम को 7 से 12 के बीच में 6 ऑर्डर करने हैं, ये बाइक आईडी के लिए। और साइकिल आईडी के लिए 6 से 7 ऑर्डर कर लेते हो तो 200 रुपये, 8 से 11 में 350, 12 से 15 में 500 रुपये, और 16 से 19 में 700 रुपये, और अगर 20 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो तो 1000 रुपये। और इसकी कंडीशन क्या है, आपको 5 ऑर्डर करने हैं शाम को 7 से 12 के बीच। तो भाई हम 6 बजे लॉगिन करेंगे और 6 से हमारे पास 12 बजे तक का टाइम है, देखते हैं कितने ऑर्डर होते हैं। साइकिल की आइडिया तो छोटे छोटे ऑर्डर आएंगे तो मैं जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगा, कोशिश तो करूंगा कि पूरे 20 ऑर्डर हो जाएं। बाकी अगर 16 ऑर्डर भी होते हैं तो 700 रुपये की अर्निंग हो जाएगी हमारी। तो अगर 16 ऑर्डर हुए, लेट लेट आए, तो 16 तक सीमित रहने दूंगा। अगर लगा कि ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं 20 ऑर्डर कंप्लीट करके ही आऊँगा आज। तो भाई पहला ऑर्डर कंप्लीट कर दिया हमने शैडो फैक्स में, 6:30 बजे में 6 बजे लॉगिन किया था। आप देखते हैं दूसरा ऑर्डर कितनी देर में आता है। तो भाई 6:40 हो रहे हैं, दूसरा ऑर्डर भी हमारा कंप्लीट हो गया। बस जल्दी ऐसे ऐसे ऑर्डर आते रहे तो काम करने में मज़ा आए। अच्छा देखते हैं तीसरा ऑर्डर कितनी देर में आता है। ये वाला ऑर्डर तो मैंने मुश्किल से 7-8 मिनट में कंप्लीट कर दिया था। साइकिल की आइडिया ना, छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। तीसरा ऑर्डर भी 7:05 मिनट पर कंप्लीट कर दिया था। अब 7:18 मिनट हो गए, 12-13 मिनट से कोई ऑर्डर नहीं है। शैडो फैक्स में 3 ही ऑर्डर हुए अभी तक मेरे, 7:15 तक। और कल जोमेटो में फुल डे करूँगा, कल फादर्स डे है, जोमेटो में ऑफर आ रहा है, तो मैंने कि एक बार कल जोमेटो ही कर लेते हैं। कल 11 घंटे ही गिफ्ट बुक कर लिए, लगभग 12 घंटे काम करूँगा जोमेटो में। दिखाता हूँ आपको कल की हमारी जोमेटो की अर्निंग, देखते कितनी अर्निंग होती है। जो मैंने गिफ्ट बुक करी है उसमें तो आ रहा है 950 से 1400, 1450 रुपये के आसपास। देखते कितनी अर्निंग होती कल जोमेटो में फादर्स डे वाले दिन ऑफर। तो भाई 8 बज गए और हमारा चौथा ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। अब 8 से 9, 10, 11 3 घंटे और करता हूँ, 3 घंटे में देखता हूँ कितने ऑर्डर होते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो शाम को शैडो फैक्स किया हमने, 6 बजे लॉगिन किया था, 6 बजे लॉगिन करते ही हमारे पास पहला ऑर्डर आ गया था। दो किलोमीटर का ऑर्डर था, 1 किलोमीटर पिक था और 1 किलोमीटर ड्रॉप था। और इसमें पहले शैडो फैक्स में अमाउंट शो नहीं होता था, अगले दिन अमाउंट शो होता था कि आपको कितने रुपए ऑर्डर के मिल रहे हैं। लेकिन अब क्या टारगेट वाला कर दिया ना, तब अमाउंट पहले ही दिखाए थे। देखो इसमें आ रहे 30 रुपये अर्न डिलीवरी फॉर दिस ऑर्डर और डिस्टेंस आ जाता है। तो ये पहला ऑर्डर था हमारा। उसके बाद हमने एक और ऑर्डर किया, ये भी 1.5 किलोमीटर का ही ऑर्डर था, आधे किलोमीटर से पिक था, 1 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था। साइकिल की आईडी में यही फ़ायदा है, छोटे छोटे ऑर्डर आते हैं और छोटे छोटे ऑर्डर के हिसाब से 30 रुपये बहुत अच्छी अमाउंट है 1 किलोमीटर का। नहीं तो जोमेटो आपको 3 किलोमीटर के 30 रुपये दे रहा है और यहाँ आपको 1 किलोमीटर के 30 रुपये मिल रहे हैं। जोमेटो में गाड़ी चला चला के गाड़ी की वाट प्लस खुद इतना दूर दूर घूमने से खुद के शरीर की वाट लग जाती है। लेकिन शैडो फैक्स या स्विगी ये साइकिल आईडी बना के काम करो अच्छा है। और जोमेटो में साइकिल आईडी बना के काम करोगे तो जोमेटो में साइकिल आईडी में इस टाइम कोई अर्निंग नहीं रही है। जोमेटो इतना ख़राब होता जा रहा है ना, ये हमेशा होता है, थोड़े थोड़े दिनों बाद जोमेटो ऐसा करता रहता है अपने राइडरों के साथ, थोड़ी दिन खुश कर देगा उसके बाद फिर वही नाटक स्टार्ट करता है। पहले कितने राइडरों ने छोड़ के शैडो फैक्स रैपिडो स्विगी ज्वाइन किया, फिर गिग्स लाया, वापस राइडर आने लगे, उसके बाद फिर जोमेटो ने गिग्स में भी कर दिया कबाड़ा, फिर वापस राइडर इधर उधर भागेंगे और भाग रहे हैं सारे राइडर में को जो भी मिल रहे हैं ना, सब कह रहे हैं हम जोमेटो छोड़ रहे हैं। तो भाई शैडो फैक्स में हमारा फिर एक और ऑर्डर आया, ये भी ऑर्डर 1.5 किलोमीटर का ही था, आधा किलोमीटर पिक करना था और 1 किलोमीटर ड्रॉप करना था, इसके भी 30 रुपये मिले हमें। और शाम को 7 से 12 बजे के बीच 10 रुपये सर्ज पे दे रहा था, तो 10 रुपये सर्ज पे से ऑर्डर हो गया 40 रुपये का, तो 2 किलोमीटर का भी 40 रुपये मिल रहे हैं 2 किलोमीटर के। तो भाई बहुत अच्छा अमाउंट है मेरे हिसाब से, जो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ रहा, बस ये ऑर्डर आने चाहिए। तो फिर उसके बाद हमने एक और ऑर्डर किया, ये भी 2.5 किलोमीटर का ऑर्डर था, पिक भी 2.5 किलोमीटर से ही करना था और पास में ही ड्रॉप करना था, इसके भी 30 रुपये मिले और सर्ज पे अगले दिन ऐड होके 40 हो रहे थे हर ऑर्डर पे। 7 बजे के बाद जितने भी ऑर्डर किए उनके 40 रुपये हो रहे थे। उसके बाद एक और ऑर्डर किया, ये 3 किलोमीटर का ऑर्डर था, 1.5 किलोमीटर पिकअप और 1.5 किलोमीटर ही ड्रॉप था। उसके बाद एक और ये ऑर्डर आने के बाद मल्टी हो गया था, 3 किलोमीटर का ऑर्डर और आ गया हमारे पास ये, और 1.25 किलोमीटर ड्रॉप करना था। उसके बाद एक और ऑर्डर किया, ये भी 3 किलोमीटर का ही था, ये पिकअप ही था 2.5 किलोमीटर का और आधे किलोमीटर ये ऑर्डर ड्रॉप करना था। उसके बाद एक और ऑर्डर किया हमने, ये 2.5 किलोमीटर का ऑर्डर था,
पिकअप था 1.5 किलोमीटर, और इसमें कैश का भी जो ऑर्डर होता है ना, इसमें शो कर जाता है कि ये ऑर्डर कैश का है, जब ऑर्डर आता है तभी शो कर जाता है। जोमेटो में तो बिल्कुल जब कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच के रीच्ड कर दोगे ना कि मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया, जब आपको बताएगा कि इस ऑर्डर के पैसे लेने हैं या ऑर्डर पेड है। लेकिन शैडोफैक्स में जब ऑर्डर आपके पास आता है ना, वो तभी बता देता है कैश का ऑर्डर है या पेड ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर भी हमने कंप्लीट कर दिया था, और ये ऑर्डर आने के बाद मल्टी हो गया था, ये दूसरा ऑर्डर आ गया। ये 2 किलोमीटर का था, 1 किलोमीटर से पिक था और 1 किलोमीटर ही ड्रॉप करना था, तो ये ऑर्डर भी हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद लास्ट ऑर्डर आया हमारे पास, ये 3.5 किलोमीटर का ऑर्डर था, 1 किलोमीटर से पिक था और 2.5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना, तो ये लास्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया था हमारा। तो ऐसे ही हमने 5.5 घंटे शैडोफैक्स में किया और 12 ऑर्डर किए। 12 ऑर्डर के बाद मैंने बंद कर दी थी आईडी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ रेट कार्ड 12 ऑर्डर कंप्लीट करने पे 500 रुपये मिल रहे थे। तो मैंने कहा अब ज़्यादा लेट हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया था, ऑर्डर फ्लो धीरे धीरे आ रहे थे, शनिवार को संडे करता तो शायद ऑर्डर अच्छे आ जाते, तो फिर भी 12 ऑर्डर 500 रुपये। तो हमारी गाड़ी लगभग 40 किलोमीटर चली और 100 रुपये का हमारा पेट्रोल लगा शैडोफैक्स में, और हमारी अर्निंग होती है शैडोफैक्स में 500 रुपये। अब 500 रुपये में से आप देख लो, 360 रुपये तो ऑर्डर के, यानी कि 30 रुपये ऑर्डर के हिसाब से 12 या 36, 360 रुपये ऑर्डर के, प्लस इंसेंटिव मिला है 90 रुपये। 90 रुपये इंसेंटिव इस हिसाब से मिला है क्योंकि हमने 7 से 12 के बीच में 9 ऑर्डर किए थे और 7 से 12 में 10 रुपये सर्ज पे चल रहा था, तो 90 रुपये वो हो गए, और 50 रुपये मिले हैं मिनिमम गारंटी के। जो शैडोफैक्स बोल रहा था कि आप अगर 12 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, तो ऐसे हमारे टोटल 500 रुपये मिले हैं हमें शैडोफैक्स में। और सुबह हमने जोमेटो किया था, उसमें हमने 328 रुपये का काम किया था, 500 रुपये रेफरल बोनस भी ऐड कर लेते, चलो 828 + 500 = 1,300 में से हमारा 300 रुपये का खर्चा हो गया था, 200 रुपये पेट्रोल और 200 रुपये पंचर में लग गए थे, तो हमने पूरे दिन में 1,000 रुपये की अर्निंग कर ली अगर रेफरल बोनस को जोड़ा जाए। अगर उसको हटा दिया जाए तो हमारी शनिवार को मात्र 500 रुपये की ही अर्निंग हुई है। तो भाई शैडोफैक्स अभी के हिसाब से सही चल रहा है, जब जोमेटो सही दे रहा था तब मैंने जोमेटो की इतनी सारी वीडियो बनाई, मैंने हर वीडियो में बोल रहा था कि जोमेटो गिग्स में बहुत अच्छा अमाउंट दे रहा है, मैं शाम को 5 घंटे में 7-7, 8-8 सौ रुपये अर्न कर रहा था, पेट्रोल हटाने के बाद 5-6 सौ रुपये बच रहे थे। लेकिन अब जोमेटो की हालत ख़राब हो चुकी है दिल्ली में, ऑर्डर नहीं है, और ऑर्डर है तो अमाउंट सही नहीं दे रहा, और स्विगी में भी अभी ठीक चल रहा है मिनिमम गारंटी के हिसाब से, अगर आप वो कंप्लीट कर ले तो 600-700 रुपये की अर्निंग आपकी स्विगी में भी हो जाएगी पेट्रोल हटाने के बाद। तो अभी स्विगी और शैडोफैक्स ठीक चल रहे हैं दिल्ली में, और जोमेटो की हालत ख़राब है, इसलिए राइडर भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो अभी तीनों ही ज्वाइन कर रखी है हमने, जिसमें अच्छा होगा उसमें ही काम करेंगे, जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं करेंगे, बस सीधा सा फंडा यही अपना लो, एक कंपनी के भरोसे। शुरू वाली वीडियो देख लेना, जब जोमेटो में ज़्यादा पैसे थे मैंने शुरू वाली वीडियो में ये बात बोली थी कि अभी जोमेटो अच्छा दे रहा है गिग्स प्रमोशन के लिए, ये कम कर देगा, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, तो जोमेटो के भरोसे मत रहना, मैंने पहले ही बोला था, और मैं भी जोमेटो के भरोसे नहीं हूँ। 3 कंपनियाँ हैं फिलहाल मेरे पास, 1-2 अभी और ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपको नई नई कंपनियों का बताता रहूँगा कि इसमें क्या अर्निंग चल रही है। तो पहले ही बोलता था जोमेटो के भरोसे मत रहो, तो मैं भी नहीं हूँ जोमेटो के भरोसे, जोमेटो कम दे रहा है तो हम स्विगी में कर रहे हैं, जोमेटो ज़्यादा देगा तो हम वापस जोमेटो में आ जाएंगे। मतलब दिल्ली में जितने भी राइडर है, राइडर तो उतने ही है गिने चुने, चाहे वो शैडोफैक्स में करे, चाहे जोमेटो में करे, चाहे स्विगी में करे, राइडर तो गिनती के उतने ही है। ये तो है नहीं कि दूसरी सिटी से आके बंदे काम करने लग जाएंगे, तो भाई एक राइडर चाहे स्विगी में करे, शैडोफैक्स में करे या जोमेटो में करे, राइडर तो दिल्ली में उतने ही घूमेंगे। अगर आप शैडोफैक्स में भी काम करते हो तो जोमेटो छोड़ के शैडोफैक्स में करोगे तो जोमेटो के ऑर्डर शैडोफैक्स में आते हैं, स्विगी छोड़ के शैडोफैक्स करोगे तो स्विगी के ऑर्डर भी शैडोफैक्स में आते हैं। तो राइडर ना कंपनी की कोई दिक्कत, कंपनी के ऑर्डर तो कंप्लीट होंगे भाई, जोमेटो भी कंप्लीट होंगे, उनके पास राइडर की कमी नहीं है। राइडर नहीं है तो भाई उन्होंने दूसरी कंपनियों से टाई अप कर रखा है, तो उनके ऑर्डर तो कंप्लीट होंगे ही होंगे, जोमेटो को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो राइडरों की इतनी नहीं सुनता ना सोचता। भाई उनको पता है हमारा काम तो हो जाएगा, चाहे खुद हमारे राइडर करें या दूसरी कंपनी वाले राइडर करें। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है मैं आपको वही एग्जैक्ट बता रहा हूँ। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी शानदार सी वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक कोई कलाकार लड़न लड़ौन नू हमेशा तैयार हाईवे।